Hello everyone, myself Jhanvi Dalsaniya. I am going to explain Chayavanapraasha avle, jo ek avle kalpana ka part hai. Ingredients. Ab hum iske ingredients dekhenge. Kwath dravya. Sabhi kwath dravya hume yahan pe ek pal, yani ki 48 grams lene hai. Wo hai patla mool, agnimanth mool, gambhari mool, bilvam mool, shonak mool, bal mool, vasa mool, puskar mool, brihati, punarnava, kantkari, pipli, करकटशृंगी द्राक्षा गुड़ुची हरितकी गोक्षूर भूमियामलकी सालीपर्णी रिद्धि जीवंती सूंठी जीवक रसभक मुस्ता प्रश्निपर्णी काकनासिका मुद्गपर्णी मासपर्णी विदारी काकोली क्षीर काकोली कमड़ मैदा सूक्ष्म इला अगरू रक्तचंदन आमलकी और पानी भी लेना है डिकॉक्शन के लिए एक द्रोण यानी कि 12 लीटर्स। फिर हमें स्नेह द्रव्य लेना है वो है घृत 7 पल यानी कि 336 ग्राम और तिल तेल भी लेना है। मधुर द्रव्य में हमें शर्करा लेनी है हाफ तुला 2.4 केजीज। प्रक्षेप द्रव्य पिपली 2 पल तुगक्षीरी 4 पल त्वक 1 पल सूक्ष्म इला 1 पल तेजपत्र 1 पल नाग केसर 1 पल उरहानी 6 पल लेना है। मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अब हम च्यवनप्राश बनाने की मेथड देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक बिग डिकॉक्शन वेसल लेंगे, उसमें क्वांटिटी के अनुसार पानी लेंगे और उसमें सभी क्वाथ द्रव्यों को कोर्स पाउडर के फॉर्म में ऐड करेंगे। उसी समय हमें एक दूसरी प्रोसीजर भी करनी है, उसमें हमें आमलकी के फ्रूट्स को एक कपड़े में बांधकर वो वेसल में जितनी समा सके उसी तरह से छोटी छोटी पोटली बनाकर रख देनी है। फिर वो वेसल को माइल्ड फायर पे उस क्वाथ का 1/4 पार्ट रिड्यूस्ड होने तक उबालना है। उसमें हमने जो आमलकी की पोटली रखी थी वो क्वाथ बनने से पहले ही तैयार हो जाएगी, तो उसे बाहर निकालकर वो अपने आप ही ठंडी हो जाए तब तक रखनी है। बाद में उसमें से आमलकी के सीड्स निकालकर पल्प बनाने के लिए क्लीन क्लोथ्स या सीव्स में से अच्छी तरह से मसलकर फाइबरलेस पल्प तैयार करना है। उस दरमियान जो रिड्यूस्ड किया हुआ डिकॉक्शन लिक्विड है उसे फिल्टर करके आगे के यूज़ के लिए रख देना है। उसके बाद आमलकी के पल्प को एक क्लीन और बड़े मुख वाले वेसल में गाय का घृत और तिल तेल ये दोनों स्नेह द्रव्य में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइड करना है और खूब हिलाकर अच्छे से सेकना है और उसी समय शर्करा को क्वाथ में ऐड करके उसकी 1-2 थ्रेड ऑफ कंसिस्टेंसी के अनुसार चाशनी बनानी है। उसको अच्छी तरह से हिलाकर होमोजीनस मिक्सचर तैयार करना है और उसको मॉडरेटेड फायर पे बॉईल करना है। उसके बाद आमलकी के पल्प को उसमें ऐड करके अच्छी तरह से हिलाकर होमोजीनस मिक्सचर तैयार करना है। उसके अवले पाक लक्षण दिखने लगे तब तक उसे मिक्स करना है। फिर गैस बंद करके उसमें प्रक्षेप द्रव्य का फाइन पाउडर बना के एक के बाद एक डालकर अच्छे से हिलाना है और उसका होमोजीनस मिक्सचर बनाना है। जब वो अपने आप ही ठंडा हो जाए तो उसमें हनी यानी कि शहद मिलाकर अच्छी तरह से एयर टाइट कंटेनर में प्रिजर्व कर लेना है और हमें जो फाइनल लास्ट प्रोडक्ट मिलेगी वो मधुर कसाई अम्ल रस से युक्त ब्लैकिश अवले मिलेगा। च्यवनप्राश के मेथड देखते समय हमने एक शब्द देखा था अवले पाक लक्षण, उसके बारे में हम यहाँ देखेंगे। ये एक टेस्ट है जो अवले कल्पना बनाते समय या फिर अवले कल्पना तैयार हो जाने के बाद दिखने वाला लक्षण है। उसके दो टाइप्स है, टेस्ट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रिपरेशन, पाककालीन यानी कि अवले कल्पना बनाते समय दिखने वाले लक्षण। इसमें है तंतुमत्व थ्रेडी कंसिस्टेंसी यानी कि ये टेस्ट अवले बनाते समय करनी है। जब लिक्विड थिक होने लगे तो उसे अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में लेकर देखा जाता है। उससे पहले प्रेस करके और बाद में रिलीज करने से उसमें अलग अलग थ्रेड दिखाई देते हैं, वो दिखाता है कि वो पाक मटेरियल के लिए रेडी है या नहीं। उसमें अवले पाक बनाने के लिए 1-2 थ्रेड ऑफ कंसिस्टेंसी चाहिए और खंड पाक के लिए 3-4 थ्रेड कंसिस्टेंसी चाहिए। अपसु मज्जती सिंक्स इन वॉटर यानी कि ये टेस्ट भी अवले बनाते समय ही करनी है। इसमें एक छोटे से बाउल में थोड़ी मात्रा में पानी लेकर उसे स्टेबल करके पाक थोड़ा ठीक हो जाने पर उसमें डालना है और देखना है कि वो मटेरियल पानी में डूबकर उसमें बॉटम पार्ट में सेटल होता है या नहीं। उससे हमें पता चलता है कि प्रिपरेशन कंप्लीट है या नहीं। अगर सिंक्स होता है तो वो पाक लक्षण है। उसके बाद आता है टेस्ट एट द एंड ऑफ द प्रिपरेशन, पाकांतरण खरत्व स्थिरत्व रफ एंड स्टेबल
ये टेस्ट प्रिपरेशन पूरी हो जाने के बाद करनी है। जो मटेरियल है वो रेडी हो जाने के बाद उससे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में रब करना है, और ये हमें रफ फील होगा बिकॉज इसमें हमने मेडिसिनल ड्रग का फाइन पाउडर डाला हुआ है। और सिरप वह भी दिखेगा जो बनाते समय ही दिखने लगता है। अंगुली मुद्रा फिंगरप्रिंट्स आर इम्पॉर्टेंट। जब प्रोडक्ट बन जाए तो उसे फिंगर बीच में प्रेस करके देखा जाता है, जो उसमें फिंगरप्रिंट दिखती है तो ये अच्छी प्रोडक्ट्स बनने की साइन है। गंध वर्ण और रसोद्भव कलर ऑर्डर एंड टेस्ट दिस टेस्ट ऑल्सो स्पीक्स अबाउट द जेन्युइननेस ऑफ द प्रिपेरेशन। अगर अच्छे से प्रिपेरेशन की होगी तो इसके कलर ऑर्डर और टेस्ट से पता चलता है कि हमने अच्छे इंग्रेडिएंट्स ही यूज किए होंगे। डोजिस एंड एडजुवेंट वन पल वंस और ट्वाइस अ डे विथ वार्म मिल्क। थेरापिटिक यूटिलिटी च्यवनप्राश विशेष रूप से श्वास का सर है। यह रसायन क्षीण एवं क्षत रोग ग्रसित पुरुषों वृद्धों एवं बालकों के शरीरस्थ धातुओं को बढ़ाता है। इसके सेवन से स्वरक्षय उरोरोग हृदरोग वातरक्त पिपासा एवं मूत्र एवं शुक्र रोग स्थानग्रत दोषों को दूर करता है। इसके प्रयोग से व्यक्ति की मेध शक्ति स्मरण शक्ति बढ़ जाती है एवं ये वर्ण प्रसादक भी है, जीर्ण विवर्जित भी है। कुटी प्रावेशिक विधि द्वारा इस रसायन का सेवन करने से वृद्ध पुरुष भी अपनी वृद्धावस्था त्याग कर युवा बन जाता है, ऐसा कहा गया है। इसमें से हमने एक वर्ड देखा कुटी प्रावेशिक रसायन। कुटी प्रावेशिक इसका मतलब है कुटी उस छोटे गृह को कहते हैं जिसमें सोने बैठने पर के लिए थोड़ा स्थान हो। वो त्रिगर्भा होती है, यानी कि उसमें एक के अंदर दूसरा, दूसरे के अंदर तीसरा, ऐसी छोटी विंडोज और डोर वाली मजबूत वॉल होती है और ये शांत तथा सुरक्षित रूप से निर्मित होता है। जब किसी निर्धारित नियम के अनुसार कुटी में प्रविष्ट होकर रसायन का सेवन किया जाता है तब इस रसायन को कुटी प्रावेशिक रसायन कहते हैं। तो हमने ये च्यवनप्राश के बारे में देखा। थैंक यू।